नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो बहनें बार बार मेरे हर एक वीडियो में उनका कमेंट आता है कि सर, आपने मेल कैंडिडेट के लिए तो आपने सेफ स्कोर बता दिया, पर जो हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आप एक वीडियो बनाइए और सेफ स्कोर बताइए कि कितना वो नंबर ला दे ताकि जो है उनका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाए। तो आज का हमारा वीडियो आप देख पा रहे हैं, हेडिंग है यूपी पुलिस सेफ स्कोर फॉर फीमेल। जो हमारी बहनें हैं उनके लिए आज का ये वीडियो है और उनका उम्मीद है कि जो हमसे शिकायत था वो आज के बाद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बात आप समझ जाइए कि जो है 35,757 के लिए सेफ स्कोर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 41,520 और 49,568 का कट ऑफ कितना था। अगर ये दोनों आपको पता है तो उम्मीद है कि इसका सेफ स्कोर आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकेंगे। ठीक है, तो एक बात आप समझ जाइए कि जो 41,520 का जो कट ऑफ था वो था 181.5 दिन। कितना था? 181.5 दिन था। और यह सभी कैटेगरी के लिए था। ठीक है, सभी कैटेगरियों का मिला के एक कट ऑफ बनाया गया था 181.5 दिन का। दोस्तों, 49,568 में पिछली वैकेंसी के पैटर्न को चेंज करते हुए भर्ती बोर्ड सभी कैटेगरी के हिसाब से जो है कट ऑफ निकालती है। और देख लेते हैं हम कि ये जो जनरल का कट ऑफ था कितना था, ओबीसी और एससी एसटी का कितना कितना कट ऑफ था। जनरल का कट ऑफ था 180.56। कितना था? 180.56। ओबीसी का था 167.38। कितना था? 167.38। और एससी के लिए था 132.95। ठीक है, और एसटी का कितना था? 96.5। ये था हमारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ 49,568 का। और अब देखिए, दोनों कट ऑफ जो है हमारे सामने है और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम 35,757 का जो है सेफ स्कोर हम बता पाएंगे कि कितना आप जो है कि स्कोर ला दें कि आप जो है अपने आप को बिल्कुल सेफ पोजीशन पे जो है महसूस करें। तो देखिए, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि 49,568 की जो वैकेंसी थी वह लगभग आप देख पा रहे हैं 49,568 49,500 के आसपास है और यह 35,500 के आसपास है। टोटल मिलाकर 14,000 से 15,000 का जो है दोनों में डिफरेंसेस है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो है ये हमारा जो वैकेंसी है इसकी अपेक्षा कम है, तो कट ऑफ क्या होगा? हाई होगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ईडब्ल्यूएस नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, क्योंकि 2019 में ये वैकेंसी आई थी और उस समय ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी जो है वैधानिक जो है उनके लिए कोई भी अधिकार या आरक्षण नहीं था। तो अब क्या है कि ईडब्ल्यूएस का भी जो है आप सभी जानते हैं कि 10% इनके लिए भी जो है सीटें आरक्षित रहती हैं और 40% में जनरल को कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है ओबीसी और एससी का जो है कट ऑफ हल्का सा अप गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उस पर ध्यान से, कट ऑफ क्या सेफ स्कोर कह सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ तो अभी कोई नहीं बता सकता। देखिए, जनरल के लिए जो मैं सेफ स्कोर बताऊंगा वो है हमारा 200 ±5। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए है क्योंकि पहले जहां 50% में जनरल वाले बच्चे जो है कि फाइट करते थे, अब उनको 40% में करना पड़ेगा ना, तो उनका कट ऑफ हल्का सा अप रहेगा। और ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस है इनका और ओबीसी का मतलब कह सकते हैं 19-20 वाला फासला रहता है हमेशा। ईडब्ल्यूएस के लिए हम बाद में देखेंगे, पहले ओबीसी का देख लेते हैं। ओबीसी का जो है 180 ±5 और ईडब्ल्यूएस का जो है ओबीसी का जितना कट ऑफ रहेगा उससे प्लस माइनस 5 ही ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा। ठीक है, और जो एससी का है 132 पिछली कट ऑफ गई थी, लेकिन अब जो हमारी जाएगी वो लगभग इतना रहेगा, 150 प्लस माइनस 5 रहेगा। और यहां पे आप देख रहे हैं एसटी का 96 था, लेकिन अब 96 पे नहीं बनी गई है, वो तो वैकेंसी भी ज्यादा थी और इसी वैकेंसी के ठीक एक साल पहले जो 41,520 की भी भर्ती हुई थी, तो कई सारे बच्चियां जो है उसमें भी सेलेक्ट हो गई थी, इसलिए लगातार भर्ती मिलने की वजह से भी इसमें कट ऑफ जो है थोड़ा कम गया था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 41,520 में जो है नॉर्मलाइजेशन भी मिला था। तो भाई, नॉर्मलाइजेशन मिला था वो अलग बात है, लेकिन ये देखो ना, लगातार सटी हुई भर्तियां आई थी, इस वजह से भी जो है कट ऑफ 49,568 का कम गया था। अब देखिए, एसटी जो है हमारा, एसटी के लिए जो जाएगा कट ऑफ लगभग वही 120 ±5। इतना अगर आप स्कोर करती हैं, मैं महिलाओं से कहना चाहूंगा, अगर ये स्कोर आप अगर कर रही हैं, आप सेट लगाइए, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और अगर
इसके आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, इससे प्लस की तैयारी होनी चाहिए, माइनस की तैयारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्लस की तैयारी है तो ज्यादा बेटर है। माइनस की तैयारी हम क्यों करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 200 नंबर लाते हैं प्रैक्टिस सेट में, घर पे लगा रहे हैं, तो अगर 200 नंबर ला रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होगा वो और अधिक होगा, और वहां पे आपके जो है 180 ही आएंगे, 200 नहीं आएंगे, 180 ही आएंगे। तो ऐसे में आपकी तैयारी जो होनी चाहिए ये 200 प्लस की होनी चाहिए, ओबीसी वालों का 180 प्लस में होनी चाहिए। तो उम्मीद है हमारी बहनों को ये जो सेफ स्कोर है ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने पिछली दो वैकेंसियों के आधार पर जो है दोनों का कट ऑफ रखा और उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने सेफ स्कोर बताया, ताकि जो है कोई भी चीज हो यार, अगर वो फैक्ट के साथ बताया जाए तो उसका मजा कुछ और होता है। ऐसे में मुंह से बोल दूं कि इतना कट ऑफ है, इतना सेफ स्कोर होगा, कोई मतलब नहीं है। अभी आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे कम है तो कट ऑफ हाई ही रहेगा, लो नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखें और जो चीजें आपकी वीक है उस पे फोकस करें और उसके लिए अलग से मेहनत करें, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आया है और वैकेंसी आने के एक महीने तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। उसके अलावा आपको फॉर्म भरने के कम 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे एग्जाम की तैयारी के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।